का मतलब क्या है, वो यूनिट वर्क हो सकता है वन डे वर्क, वन मिनट वर्क या वन आवर वर्क, ठीक है। जैसे यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दिए, अगर कोई काम डेज में पूरा हो रहा है तो आप उसका वन डे वर्क निकालोगे, कोई काम अगर मिनट्स में दिखाया है तो उसका आप वन मिनट वर्क निकालोगे, आवर्स में दिखाया है तो वन आवर वर्क निकालोगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल कैलकुलेशंस इन टाइम एंड वर्क आर डन विथ वन यूनिट वर्क। व्हाट आई विल से, वन यूनिट, दैट यूनिट कैन बी एनीथिंग, डेज, मिनट्स, आवर्स। एनी डाउट टू एनीवन? अच्छा, नाउ द सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ आई डू द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज, दैट नंबर ऑफ डेज कैन बी नंबर ऑफ मिनट्स ऑल्सो, कैन बी नंबर ऑफ आवर्स ऑल्सो। सो द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज, द टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वन डे वर्क। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज, इसका मतलब यह कि अगर किसी काम को पूरा करने में, ये कंप्लीट वर्क का नंबर ऑफ डेज है बेटा, बल्कि मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, क्या लिखता हूं मैं, कंप्लीट वर्क, अगर किसी काम को कंप्लीट करने में कितने भी दिन लगे उसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो एक दिन का काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सूरज सर को किसी काम को करने में 15 डेज, अगर सूरज सर को कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सूरज सर को कितने डेज लग रहे हैं, 15 डेज, तो ये 15 डेज क्या है बेटा, 15 डेज है पूरे काम को कंप्लीट करने के डेज, या ये टाइम है पूरे काम को कंप्लीट करने का। तो अगर 15 डेज का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/15, तो 1/15 क्या हो जाएगा सूरज सर का वन डे वर्क, क्या हो जाएगा सूरज सर का वन डे वर्क। और वन डे वर्क बेटा याद रखना, वन डे वर्क की यूनिट वर्क ही होती है, ठीक है। और अगर हम इसको मेंशन ना भी करें, 1/15 भी छोड़ दें, तो आपको समझना चाहिए कि ये वर्क है। अच्छा, रेसिप्रोकल इज ऑल्सो अलाउड। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, अगर मैं वन डे वर्क का उल्टा करता हूँ, वन डे वर्क कितना है 1/15, वन डे वर्क का उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा काम पूरा करने का, टोटल टाइम आ जाएगा जिस टाइम में काम पूरा हो रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या करूंगा, तीसरा पॉइंट इसी का उल्टा लिखूंगा मैं, रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क विल बी नंबर ऑफ डेज। क्या लिखूंगा मैं बेटा, थर्ड पॉइंट, रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। टाइम एंड वर्क चैप्टर इज ओवर नाउ। इफ यू नो दिस थ्री पॉइंट्स, वैसे तो दो ही पॉइंट्स हैं, जो सेकंड एंड थर्ड है वो वाइसी वर्सा है, कोई एक पॉइंट लिखूंगा तो आप लोग समझ जाओगे। तो ये जो दो पॉइंट्स है बेटा, इससे आपका टाइम एंड वर्क खत्म। ओनली नाउ वी हैव टू डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, कुछ इसमें चार पांच वैरायटी है जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है, हमें वो करना है और समझना है बस। तो हमेशा याद रखना, हमेशा सारी कैलकुलेशंस टाइम एंड वर्क, जैसे ही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया समझ जाना कि मैं सारी कैलकुलेशंस करूंगा वन डे वर्क के साथ, माय फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद अगर मुझे नंबर ऑफ डेज दिया है तो उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वन डे वर्क आ जाएगा, अगर वन डे वर्क दिया है उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ डेज पूछा है तो मैं वन डे वर्क का रेसिप्रोकल कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, अगर मुझे वन डे वर्क पूछा है तो मैं नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? खत्म चैप्टर, आ जाएं क्वेश्चंस पे, चैप्टर इज ओवर। इसी का एक और एक्सटेंशन है पाइप एंड सिस्टम ना, टाइम एंड वर्क में ही पाइप्स एंड सिस्टम भी आता है बेटा एग्जाम में, बड़ा आसान है, एक ही बात है बेटा, पाइप का मतलब पाइप, सिस्टम का मतलब टैंक ना, एक नल से टैंक कितने घंटे में भरेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पाइप्स एंड सिस्टम्स इसी में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो ना, सिस्टम मतलब होता है टैंक, कोई शक? चलो एक छोटा सा एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, फिर आई विल गिव यू क्वेश्चंस, ठीक है, एंड देन वी विल डू फ्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। एंड बेटा मैं डायरेक्टली मुझे मैं क्वेश्चंस ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, और इसको इन अ शॉर्ट वे करेंगे। हम कैसे करेंगे, ये लिख लिया सभी ने? ये तीन पॉइंट्स आपने लिख दिए बेटा? अच्छा देखो बेटा, शुरुआत कैसे करते हैं ध्यान से देखना। अगर आपको ऐसा दिया है, अगर बाय द वे
अगर एक इंसान है जिसका नाम ए है और ए से मैंने कहा कि आपको गड्ढा खोदना है, तो ए ने उस गड्ढे को खोदने में लगाया 10 दिन, मतलब ए हैज कंप्लीटेड हिज टास्क इन 10 डेज, ऐसा देगा आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज में. आई एम नॉट गिविंग यू लैंग्वेज, आई एम नॉट गिविंग यू कंप्लीट लैंग्वेज, वट एवर इज गिवन मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? आप लोग समझ जाओगे, इतने क्वेश्चन करेंगे कि यू विल कम टू नो. ए का पूरा टाइम कितना है काम करने का? 10 डेज. कोई शक? अच्छा, बी उसी काम को, अगर मैं बाय द वे उसी काम को बी से कहूँ करने के लिए, सपोज ए से मैंने कहा भाई गड्ढा खोद, उसने 10 दिन लगाए, सेम काम सेम अमाउंट ऑफ वर्क, इफ आई असाइन टू बी, बी इज टेकिंग 15 डेज. आप मुझे बताओ एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, काम कौन सही कर रहा है? ए काम सही कर रहा है, मानते हो बेटा? क्योंकि एक कम टाइम ले रहा है, काम सेम है दोनों का, लेकिन बी टाइम ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ए क्या कर रहा है, काम चोरी. भाई वो काम ए 10 दिन में कर दे रहा है लेकिन बी 15 दिन लगा रहा है, काम सेम है यार, इसका मतलब इसने ज्यादा मेहनत करी है. ए इज मोर एफिशिएंट देन बी, ये समझ में आ रहा है यार आपको यहाँ से? ना, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा कि ए इज मोर एफिशिएंट. ये नंबर ऑफ डेज देख के मत देखना कि बी के 15 दिन है तो 15 दिन ज्यादा है तो वो ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है? जो काम जल्दी करेगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा. जो मैंने आपको टास्क दिया है, अगर वो जल्दी जो सबमिट करेगा लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, उसी को परमवीर चक्र मिलेगा, ठीक है? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है. अच्छा, आप ध्यान से देखना बेटा, अब आपसे क्या पूछेगा, सपोज अगर ए और बी अगर मिलकर काम करें, बेटा ये जो इनका नंबर ऑफ डेज था, ये इनका इंडिविजुअल था, अगर ए को मैं अकेला काम करने दूंगा तो अकेला वो कितने दिन में करेगा? 10 दिन में. अगर बी से मैं अकेला काम करने के लिए कहूँगा तो कितना करेगा? अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे, अच्छा चलो बच्चों ने आंसर निकाल दिया, आई एम नॉट गोइंग फॉर आंसर्स, बट सी हियर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो बेटा तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बच्चे कभी कभी सोचते हैं ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो 15 + 10 = 25 दिन. याद रखना बेटा, 10 दिन तो अकेला ए ही ले रहा है, अगर ए की हेल्प बी करने आ जाएगा तो काम तो 10 दिन से भी कम दिनों में हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा. सो वट ही हैज आस्क्ड, ही हैज आस्क्ड मी अगर ए और बी मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे. सी सॉल्यूशन कैसे करूँगा, आपको पता है दिस इज वट, दिस इज कैलकुलेशन, ए प्लस बी. क्या मैं ए प्लस बी इनके साथ कर सकता हूँ नंबर ऑफ डेज के साथ? कभी नहीं. पहला ही पॉइंट मैंने पढ़ा था कि मैं सारी कैलकुलेशंस किसके साथ करूंगा? तो मैं पहले यूनिट वर्क निकालूंगा, ठीक है? मैं क्या निकालूंगा? वन डे वर्क ऑफ ए. और आपको पता है वन डे वर्क क्या होता है नंबर ऑफ डेज का? रेसिप्रोकल, सीधा उल्टा कर दो. इसको आप चाहे यूनिटरी मेथड से भी सीख सकते हो, ठीक है? यूनिटी वे. और हमेशा याद रखना, कंप्लीट वर्क होता है आपका वन वर्क. इसको भी लिख लेना, ऊपर डब्बे में बंद कर लेना. अगर वर्क वन आ गया इसका मतलब काम कंप्लीट हो गया है. कंप्लीट वर्क का मतलब कितना होता है? वन, ठीक है? तो ध्यान से देखना बेटा, तो अगर मैं ए के बारे में बात करूं, देखो मैं यूनिटरी मेथड लगा के आपको दिखा रहा हूं जिसकी जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, लेकिन देख लो ए के केस में अगर मैं बात करूं तो ए 10 दिन में कितना काम कर रहा है बेटा? पूरा काम कर रहा है. कितना वर्क कर रहा है? वन वर्क. ध्यान से देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना. यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में है मेरा, आप यूनिटरी मेथड देखना. आपने सिर्फ कंपेयर करना है लेस बाय मोर, मोर बाय लेस, ठीक है? हाँ, अच्छा, 10 डेज वन वर्क. अगर मैं इसका एक दिन का काम निकालू वन डे का तो ये पूरा वर्क तो कर नहीं पाएगा, वन इससे कम करेगा. क्या आ जाएगा कंपेरिजन में? लेस. लेस में क्या आता है? लेस अपॉन मोर इंटू इंडिविजुअल वैल्यू. अच्छा, दोनों में लेस क्या है? वन इज लेस मोर. क्या है? 10 इज मोर. इंटू इंडिविजुअल वैल्यू क्या है? वन वर्क. तो कितना वर्क आ गया? 1/10. तो आइए, आपको निकालने की जरूरत नहीं बेटा हर क्वेश्चन में. सीधे अगर मुझे 10 डेज दिया है पूरा काम और मुझे अगर वन डे वर्क निकालना है तो 10 का उल्टा कर दूंगा, 1/10 वर्क लिख दूंगा. इसका मतलब यहां पर मैं सीधे लिख रहा हूँ. सोल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं लिखूंगा ए का वन डे वर्क, ए का जो वन डे वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 1/10. मानते हो? सीधा 10 डेज का रेसिप्रोकल कर दिया. ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी लिखाया है. और ये पॉइंट कहाँ से आया? यूनिटरी मेथड से ही आया बेटा. अच्छा, अगर मैं बोलूँ बी का वन डे वर्क कितना जाएगा? 1/15. आप आगे वर्क लिखो या ना लिखो, अगर कोई कुछ नहीं लिखोगे तो दैट इज अंडरस्टूड कि वो वर्क है. गलती से डेज मत लिख देना, लेकिन
जैसे ही आपने डेज का उल्टा कर दिया वो डेज नहीं रहा, वो वर्क बन गया है. क्या बन गया है? वर्क बन गया है. बस अब आपको निकालना है ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे. दोनों के वन डे वर्क को ऐड करोगे आप. तो यहां से देखना ना, तो ए प्लस बी का वन डे वर्क को ऐड कर लो बेटा आप. दोनों के वन डे वर्क को ऐड कर लो, 1/10 + 1/15. तो बेटा यहां से ए प्लस बी का वन डे वर्क आ जाएगा. ए प्लस बी का वन डे वर्क अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एलसीएम विल बी हाउ मच? 30. दिस विल बी हाउ मच? 3 + ठीक है. सो ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना जाएगा? 1/6. 5/30 मीन्स 1/6. और ये ए प्लस बी का वन डे वर्क है ना, लेकिन मुझे ए प्लस बी का वन डे वर्क नहीं निकालना, मुझे ये निकालना है कि ए प्लस बी कितने दिन में काम करेगा. तो हमने तीसरा पॉइंट ये भी देखा था कि वन डे वर्क का उल्टा करोगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा ना. तो अब ये भी चाहूँ तो मैं यूनिटरी मेथड से निकाल सकता हूँ, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है. देयरफॉर ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन ए और बी का रेसिप्रोकल कर दो. तो बेटा जो भी मैंने कैलकुलेशन करी, देखो जो भी मैंने कैलकुलेशन करी वो किसके साथ करी? वन डे वर्क. क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? ए का आपको कैपेसिटी दी थी कि ए 10 दिन में काम करता है, बी की कैपेसिटी थी वो 15 डेज में काम करता है, और आपसे पूछा था कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो मिलकर काम करेंगे मतलब कैलकुलेशन है, प्लस करना है मुझे. दोनों का वन डे वर्क निकालो, बहुत ईजी है, रेसिप्रोकल करना है. दोनों को ऐड करो, दोनों का वन डे वर्क का ऐड आ जाएगा, दोनों का वन डे वर्क आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करोगे नंबर ऑफ डेज आ जाएगा. सी, तीन पॉइंट्स में पूरा टाइम एंड वर्क खत्म. क्या किया हमने? सारी कैलकुलेशंस वन डे वर्क वही करा. रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क विल गिव यू नंबर ऑफ डेज, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज विल गिव यू वन डे वर्क. दैट्स इट, ओवर. कोई शक? कोई दिक्कत? कोई दर्द? नो सर. तो लिख लो भैया. लिख लिया? अच्छा, अब इसी को घुमा के आपको ऐसे भी दे सकता है. जल्दी लिख लो, जल्दी ऐसे कर लो बेटा. ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को समझना. मैं इन शॉर्ट ही लिखाऊंगा आपको अब क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारा बड़े बड़े स्टेटमेंट देता है जिनका कोई यूज नहीं है. आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए 10 डेज, बी 15 डेज, तो ए प्लस बी हाउ मेनी डेज. हाँ, क्वेश्चन लिख लो बेटा. ये क्वेश्चन लिखा आपने, ऐसा लिखा, कहाँ लिखा? हाँ, इसको डब्बे में बंद कौन करेगा? क्वेश्चन है वो पता कैसे चलेगा? क्यों लगाओ उसमें? इसी को बहुत तरीके से और घुमा के भी दे सकता है आपको. यहां देखना बेटा. सी, अब आपसे क्या कह सकता है? आपसे ये भी कह सकता है, अभी हमने निकाला ए और ए प्लस बी. ए प्लस बी कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 6 days में. तो आपको क्या देगा क्वेश्चन में? आपका आपको क्वेश्चन में देगा कि ए प्लस बी 6 days में काम करते हैं, यहाँ देख लो. और ए कितने दिन में करता है? 10 days में. तो बी कितने दिन में करेगा निकालो. आंसर क्या आएगा? 15 ही आएगा. तो अगेन ऑल कैलकुलेशंस विद वन डे वर्क. क्या मैं डायरेक्टली लिख लूँ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? अगर आप बी का आपको चाहिए वन डे वर्क ना, तो आप बी का वन डे वर्क कैसे निकालोगे? ए प्लस बी के वन डे वर्क से अगर आप ए का वन डे वर्क माइनस कर दो तो बी आ जाएगा. यार अगर ए प्लस बी के वन डे वर्क से आप बी का वन डे वर्क हटा दो तो ए का वन डे वर्क आ जाएगा. ये सारी कैलकुलेशन वन डे वर्क के साथ है बाय डिफॉल्ट. ये मैं अभी आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ. लैंग्वेज जरूर लिखेंगे, आरएमसी का पेपर है बेटा, ठीक है? लैंग्वेज जरूर लिखेंगे, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, ये अभी मैं सीधा आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर मुझे बी निकालना है तो मुझे ए प्लस बी में से ए हटाना है. तो ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना लिखूंगा मैं? 1/6 नहीं लिखूंगा, वन डे वर्क. माइनस ए का कितना लिखूंगा? 1/10. सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1/15 आएगा. सॉल्व करके देख लेना. अगर बाय द वे मुझे ए प्लस बी दिया होता कितना? 6, और बी दिया होता कितना? 15 डेज, और मुझसे ए पूछता तो मैं क्या करता? ए प्लस बी माइनस बी करता. अगर मुझे ए निकालना होता तो मैं क्या करता? ए प्लस बी माइनस बी. ए प्लस बी का वन डे वर्क 1/6 माइनस 1/15 कितना आता? 1/10 आता. और 1/10 का रेसिप्रोकल करता तो 10 डेज आता आंसर मेरा. तो आपको ऐसे ही घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन वो. तो आपको इतना याद रखना है, ऑल कैलकुलेशंस आर डन ऑन वन डे
वन डे वर्क. रेसिप्रोकल ऑफ वन डे वर्क विल गिव यू रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज विल गिव यू. खत्म कहानी. ठीक है, सेम सवाल है बेटा. ए कंप्लीट्स द वर्क इन 6 डेज, बी कंप्लीट्स द वर्क इन 12 डेज. आपको आपने निकालना है ए प्लस बी. 4 डेज इज द राइट. अच्छा, लेकिन आप करोगे कैसे बेटा? आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा अगर ये क्वेश्चन, तो करोगे कैसे? ठीक है, ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे करोगे? सोल्यूशन में साफ साफ लिखना, पहले ऐसे लिखना, ए इज वन डे वर्क कितना जाएगा? 1/6 आ जाएगा ना. ठीक है, और फिर लिखना बी इज वन डे वर्क कितना जाएगा? 1/12 एज यू ऑल नो दैट कैलकुलेशन इज डन विथ वन डे वर्क, देयर फोर ए प्लस बी इज वन डे वर्क विल बी हाउ मच? हाँ, 1/6 प्लस ए और बी का वन डे वर्क कितना जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू एलसीएम विल बी हाउ मच? 2+1 3/12 1/4 तो ये 1/4 तो ए प्लस बी का वन डे वर्क है. इसी को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो देयरफॉर ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज. ऐसा लिखोगे एग्जाम में, देन यू विल गेट 5 मार्क्स. ठीक है, इसको शॉर्टकट तरीके से मत करना. क्या कहा मैंने बेटा आपसे? क्या लिखा मैंने अभी? ये सारी चीज़ें सेम लिखो, पहले पूरा लिखो, ऐसे पूरा लिखो बेटा काट के. अब आते हैं हम मुद्दे पे, अब करते हैं हम कमाल क्वेश्चंस. ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्वेश्चंस कर. और आरएमसी में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं. हाँ, गिवन ही लिख दिया था मैंने. ठीक है, मेरा क्वेश्चन ही गिवन हो गया था आप लोग के लिए, तो आप गिवन में जरूर लिख लेना कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज. ये दो लाइन होगी, उसके बाद फिर ये आ जाएगा सीधा. क्वेश्चन लिखो बेटा अगला. अगला क्वेश्चन है, अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. बड़ा अच्छा सवाल है बेटा. ठीक है, और मैं वो इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना. ठीक है, हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया कि अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. ठीक है, चेतन उसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन. अच्छा, कौन मेहनती है? अमित मेहनती है. ठीक है, उसके बाद साफ साफ कहा गया है कि दे बिगेन टुगेदर एंड वर्कड ऑन इट फॉर 5 डेज. ठीक है, आप लोग लिख लो बेटा, आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे, आप लोग पूरा लिखोगे. ठीक है, अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. अमित लिख लो, उसे राम क्यों लिख रहे हो? हैं, अमित लिख लो फिलहाल. अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, चेतन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज. अब लैंग्वेज को समझना. अब आपसे क्या है कि दे टुगेदर वर्कड ऑन इट फॉर 5 डेज. इन दोनों ने मिलकर काम किया सिर्फ 5 दिन, तो लिखना दे टुगेदर वर्कड ऑन इट फॉर 5 डेज. इसका मतलब अमित प्लस चेतन वर्कड ऑन इट फॉर 5 डेज. दोनों ने शुरुआत करी काम को करने की, मिलकर काम किया, लेकिन सिर्फ 5 दिन किया बेटा, ओनली 5 डेज. ठीक है, शॉर्टकट तरीके से लिखा हुआ है. एंड अमित फेल इल. उसके बाद अमित क्या पड़ गया? बीमार. अमित ने और चेतन ने मिलकर काम किया सिर्फ 5 दिन, लेकिन बेचारा अमित क्या पड़ गया? बीमार. और सारा काम किसके ऊपर आ गया? चेतन के ऊपर. उनको काम पूरा करना है, उन दोनों ने मिलकर सिर्फ 5 दिन काम किया. अभी काम पूरा नहीं किया उन्होंने, सिर्फ 5 दिन काम किया ही था. सपोज कुछ काम करना है तो मेरी हेल्प किसने करी?
अनमोल ने, तो हम लोग उस काम को कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कितना काम लगेगा, लेकिन जैसे ही हमने 5 दिन काम किया तो इसकी तबीयत खराब पड़ गई। अब बाकी का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने लिखा अमित फेल इल एंड चेतन हैड टू कंप्लीट द वर्क, and Chetan had to complete the work. Find in how many days was the work, be completed. Find in how many days was the work completed. अच्छा 5 दिन तो लगे लगे बेटा दोनों को एक साथ करने में। अब आपने क्या निकालना है कि जो अकेला पढ़ गया था चेतन, चलो सो सी नाउ, अब आपको ये समझना है बेटा, सी आजा बेटा सुन लो अच्छे से, आप लोग सुन नहीं रहे हो। एक काम है, उस काम को हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया और हम लोगों ने 5 दिन काम किया, ये पड़ गया बीमार, बैठ जा, और जो बाकी का काम बचा हुआ था उसको मैंने 10 दिन में पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, 15 डेज। 5 दिन तो जो हमने साथ लिए और जो मैंने 10 दिन अकेले लिए, वही निकालना है इसमें। 5 दिन तो क्लियर है, अमित और चेतन ने 5 दिन काम किया, जो रिमेनिंग वर्क था उसमें चेतन ने कितने दिन लगाया, अगर आपको वो समझ में आ जाए तो उसको आप 5 से ऐड कर लोगे, नहीं आया समझ में? अरे भाई अमित और चेतन ने मिलकर 5 दिन काम किया, अब जो रिमेनिंग वर्क है उसमें चेतन ने कितने दिन लगाया, अगर आपने वो निकाल दिया तो आपका आंसर आ गया, उससे आप 5 से ऐड कर लोगे। बड़ा अच्छा सवाल है, कैसे करोगे, करो कितने दिन में काम पूरा करते, अब इन्होंने पूरा काम तो एक साथ किया नहीं। लेट सी, दोनों के वनडे वर्क को ऐड कर लेता हूँ, अमित प्लस चेतन्स वनडे वर्क विल बी हाउ मच, 1/20 प्लस 1/25 कितना जाएगा, 100. अच्छा एलसीएम विल बी 25 कितना आ गया, 9/100. 9/100 का मतलब है, सुन लेना बेटा, कि ये जो 9/100 वर्क है ये इनका वन डे वर्क है, किसका, चेतन। हाँ, इसका मतलब चेतन, अगर इसी का रेसिप्रोकल करूंगा तो चेतन ये काम कितने दिन में पूरा कर लेता, चेतन और अमित मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते, 100/9 days, 100/9 days ना। अगर हमसे यही इतना ही पूछा रहता लास्ट टाइम की तरह, तो हम लोग लिखते हैं कि अमित प्लस चेतन का वन डे वर्क नहीं, कैन कंप्लीट वन वर्क इन 100/9 days, रेसिप्रोकल कर दिया ना। अब यहीं से हमने यूनिटरी मेथड लगाना है बेटा, अब समझो इस चीज को अच्छे से, ध्यान देना अच्छे से। अब क्योंकि उन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, सिर्फ 5 दिन, तो अब यहीं से हम उनका 5 दिन का काम निकालेंगे। सी अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि 100/9 days में उन्होंने कितना काम किया, वन वर्क कंप्लीट। अमित और चेतन ने मिलकर, इसका उल्टा ले रहा हूं बेटा, 100/9 days में कितना काम किया, पूरा काम किया, हमें कितना काम निकालना है, कितने दिन का काम निकालना है, 5 दिन का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 दिन काम किया, उन्होंने 100/9 days काम किया ही नहीं, अगर वो 100/9 days काम करते तो काम पूरा हो जाता, सो दे वर्कड ओनली 5 days, तो 5 days में कितना काम पूरा होगा वो हम निकाल लेंगे। अच्छा 100/9 days बढ़ाए या 5 days बढ़ाए, 100/9 days ज्यादा है तो ये कम दिन है, कम दिन में कम वर्क होगा, लेस बाय मोर, लेस इज 5, मोर कितना है, इंटू 9/100 आ जाएगा, इंटू कर लोगे तो रेसिप्रोकल जाएगा, इंटू इंडिविजुअल वर्क कितना जाएगा, इंडिविजुअल वैल्यू 1 वर्क, तो इनके 5 days का वर्क कितना आ गया, 9/100, वेरी गुड। अब
अमित और चेतन ने जो मिलकर काम किया है वो 9/20 किया है और ये 5 दिन का काम है उनका, और उसके बाद अमित बीमार पड़ गया, तो जो बचा कुचा काम है उसको चेतन अकेला करेगा। तो वो जो बचा कुचा काम है, पहले आपको वो बचा कुचा काम निकालना है, फिर उस बचे कुचे काम में आपने यूनिटरी मेथड लगाना है कि उसको चेतन कितने दिन में करेगा। बस वो दिन निकालने हैं आपको, उसको आप 5 से ऐड कर लोगे। तो अब क्या करोगे, अब आप देखोगे कि चलो काम बचा कितना, रिमेनिंग वर्क, तो काम बचा कितना, बचा टोटल काम कितना होता है हमेशा 1, और जिसमें से 9/20 हो चुका है कितने दिन में, 5 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा टोटल में से कितना माइनस कर दोगे 9/20, कितना बच जाएगा 11/20 वर्क, ये रिमेनिंग है। इसको कौन करेगा, चेतन करेगा, सिर्फ चेतन करेगा इस काम को अकेले। क्यों करेगा चेतन, क्योंकि अमित बीमार पड़ गया है, ठीक है। सो रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय चेतन, लिख लेता हूं, रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय चेतन, रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, चेतन। तो चेतन के लिए हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, कैसे लगाएंगे फिर से लिखता हूं, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। चेतन के बारे में मुझे साफ साफ दिया है कि चेतन पूरे काम को कितने दिन में करता है, 25 डेज। तो मैं यहाँ लिखता हूँ चेतन के बारे में, ये यूनिटरी मेथड लग रहा है चेतन के लिए, तो चेतन पूरा 1 वर्क कितने दिन में करता है, 25 डेज। लेकिन उसको करना कितना काम है, सिर्फ 11/20 वर्क करना है, तो ये वो कितने दिन में करेगा यूनिटरी मेथड। सी अच्छा, 1 वर्क ज़्यादा है या 11/20 वर्क ज़्यादा है, 1 वर्क ज़्यादा है बेटा, 11/20 तो 1 से भी कम है, देखो ना डिनोमिनेटर जहाँ बड़ा उसकी वैल्यू 1 से भी छोटी, तो ये काम कम है, एक काम करने में उसको 25 दिन लगता था, तो कम काम है, इसमें कितने दिन लगेंगे, लेस अगेन लेस बाय मोर, तो लेस बाय मोर कैसे निकालूंगा, दोनों में से लेस क्या है, 11/20 अपॉन मोर अपॉन 1, कोई दिक्कत नहीं, इनटू इंडिविजुअल वैल्यू कितना है, 25 डेज, आंसर विल कम इन डेज, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 फोर जा, तो ये आ जाएगा 55/4 डेज। अब ये तो इतने दिन तो लगे सिर्फ चेतन को, और शुरुआती अमित और चेतन को 5 दिन और लगे, तो टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क विल बी 5 + 55/4 डेज, देयरफॉर टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 5 + 55/4। ये जो 5, मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिक बता देता हूँ, ये फाइव डेज लगे जब अमित और चेतन ने मिलकर काम किया, ऐसा आप एग्जाम में मेंशन नहीं करोगे, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और ये जो और जो बचा कुछ काम था इसको सिर्फ किसने किया, चेतन ने, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 75/4 डेज। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे 18 3/4 डेज। कोई शक, बच्चे क्या कह रहे थे, ये आंसर कहा था आपने, नहीं हाँ, आपने 5 ऐड नहीं किया ना, तो आपसे यही तो पूछा था कि टोटल दिन कितने लगेंगे काम पूरे होने में। अगर सिर्फ ये पूछता, ये भी पूछता एग्जाम में कि चेतन उस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा, अगर ऐसा पूछता तो आंसर विल बी 55/4, उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते। लेकिन आपसे पूछा था कि टोटल डेज कितने लगेंगे काम को पूरा होने में, तो आप 5 वाला भी ऐड करोगे जो काम अमित और चेतन ने मिलकर किया है। ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बेटा, अभी देखना। तो इसमें हमने क्या क्या हमने इसमें कुछ भी नहीं, यूनिटरी मेथड लगाया, रेसिप्रोकल किया, वन डे वर्क निकाला, कैलकुलेशन वन डे वर्क के साथ करी, ये आर्ट्स में दिया बेटा। जो अगला सवाल है, अगले सवाल में दिया है कि सौरभ कैन फिनिश अ वर्क इन 18 आवर्स, ठीक है, इसमें आवर्स में दिया है, तो हम लोग 1 आवर वर्क निकालेंगे। और विनोद, अगर विनोद को भी यही सेम काम दिया जाए तो वो करेगा इस काम को 24 घंटे में। अच्छा, कौन एफिशिएंट है, सौरभ उस काम को जल्दी कर रहा है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। देख लेते हैं आपने क्या, चलो ये बोर्ड में आगे करेंगे, वेट 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 वेट
तो लिखना बेटा फुल स्टॉप के बाद, जल्दी करो इसे, फुल स्टॉप. हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टुगेदर टू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टुगेदर टू कंप्लीट दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस वर्क इफ इफ सौरभ इज कॉल्ड अवे टू आवर्स बिफोर, इफ इफ सौरभ, इफ सौरभ इज कॉल्ड अवे टू आवर्स बिफोर, इफ सौरभ इज कॉल्ड बिफोर, इज कॉल्ड अवे, सॉरी इज कॉल्ड अवे टू आवर्स बिफोर, टू आवर्स बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क. अच्छा खासा सौरभ और विनोद काम कर रहे थे, सौरभ को काम पूरा ही होने वाला था कि सौरभ को दो घंटे पहले बुला दिया ना, ही वॉज कॉल्ड टू आवर्स बिफोर. सो सौरभ इज कॉल्ड अवे टू आवर्स बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ वर्क. While Vinod continues with the work, while Vinod continues with the work, तो विनोद तो कर ही रहा है बेटा काम. आ जाओ बोर्ड में आ जाओ बेटा. तो किसने समझाया? अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया है? सौरभ 18 घंटे काम कर सकता है, सौरभ किसी काम को 18 घंटे में कर सकता है, विनोद उसी काम को 24 घंटे में कर सकता है. हाउ लॉन्ग विल, ये दोनों कितने टाइम लगेगा इनको इस टास्क को कंप्लीट करने में अगर सौरभ को दो घंटे पहले बुला दिया है. ठीक है. अच्छा बेटा नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सवाल चाहे तो एक लाइन में हो सकता है. अगर मैं बोलूं कि चलो दोनों को करने में क्या हो गया, अगर मैं बोलूं दोनों को करने में 10 घंटे लगते हैं या एक्स घंटे लगते हैं, इस ध्यान से देखना बेटा इस चीज़ को. मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ सिखा रहा हूँ. अगर सौरभ और विनोद इस दोनों काम को करने में अगर उनको 10 घंटे लगते हैं तो बेचारे सौरभ ने कितने घंटे काम किया होगा? 8 घंटे, क्योंकि इसको 2 घंटे पहले ही बुला दिया था. नहीं आया समझ में बेटा? अगर सौरभ और विनोद इस काम को 10 घंटे में कर देते तो साफ साफ लिखा है कि सौरभ को तो 2 घंटे पहले बुला दिया था, काम पूरा होने से 2 घंटे पहले. तो पूरा काम तो 10 घंटे में होता तो 2 घंटे पहले बुला दूंगा तो सौरभ 8 घंटे तो काम करेगा. तो इसी को मैं ऐसे लूंगा, सपोज अगर सौरभ और विनोद x घंटे लेते हैं काम करने के लिए ना. ठीक है. अच्छा इसको लेना, लेट सौरभ एंड विनोद टेक्स X hours to complete the work. बड़ा याद रखना, all calculations will be done on one day work. ध्यान से देखना. तो आपको मालूम है ना कि सौरभ ने कितने घंटे काम किया बेटा? अच्छा पहले विनोद ने, विनोद ने कितने घंटे काम किया? विनोद worked for 24 घंटे. विनोद worked for 24 घंटे, 24 घंटे काम किया उसने. विनोद worked for X hours. बेटा अगर 10 घंटे में दोनों ने मिलकर, मैं मिलने की बात कर रहा हूँ, दोनों ने मिलकर अगर 10 घंटे काम किया तो उसमें से 10 घंटे तो विनोद लगा था, लेकिन ये सिर्फ 8 ही घंटे लगा था. साथ में लग रहे हैं ना बेटा? तो विनोद वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स? एक्स आवर्स. इसका वर्क प्लस सौरभ वर्क फॉर हाउ मेनी? हाँ सौरभ वर्क फॉर एक्स माइनस 2 आवर्स, 2 घंटे पहले. और अगर इन दोनों के वर्क को मैं ऐड कर दूंगा तो काम क्या हो जाएगा? पूरा 1. अरे क्या बात है, काम हो जाएगा 1. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना बेटा तो क्वेश्चन यही हो गया है. 1 इज नथिंग बट वर्क. पूरा काम करने के लिए पूरा काम कैसे आएगा? विनोद के एक्स घंटे का काम प्लस सौरभ के एक्स माइनस 2 घंटे का काम, मिलाकर काम कितना होगा? पूरा. yes, sir. बेटा ये कैलकुलेशन है, किसके साथ करोगे कैलकुलेशन?
तो आप ही सोचो, विनोद वर्क फॉर एक्स आवर्स, तो विनोद कितने घंटे एक्स आवर्स, तो विनोद का वन घंटे का काम कितना होगा? 1/18 बेटा, सॉरी 1/24 विनोद का, विनोद का कितना होगा 1/24, तो यहाँ पर विनोद का क्या रख रहा हूँ मैं, वन डे वर्क रख रहा हूँ, कैलकुलेशन इंटू एक्स एक्स आवर्स प्लस सौरभ का कितना है इंटू कितने घंटे काम किया उसने इज इक्वल टू वन एक्स सॉल्व करना आपने क्या 11 आवर्स बेटा मैं फिर से समझा रहा हूँ, नहीं आया किसको नहीं आया बेटा याद रखता कि सारी कैलकुलेशंस होती हैं बेटा, अगर बाय द वे मैं एक घंटे में एक आइसक्रीम खाता हूँ तो दो घंटे में कितने खाऊंगा, दो, तीन घंटे में तीन, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे अगर उसका एक घंटे का काम 1/24 है तो दो घंटे का काम कितना होगा 2 × 1/24 और एक घंटे का काम कितना होगा x × 1/24। उसी तरीके से अगर सौरभ का एक घंटे का काम 1/18 है तो दो घंटे का काम कितना होगा 2 × 1/18, तीन घंटे का काम 3 × 1/18, एक्स बाई टू आवर्स का काम 1/18 × x/2, तब जाके काम क्या होगा, सॉल्व इट विल गेट एक्स, और वो इसका मतलब अच्छा 24 और 18 एलसीएम विल बी 72, 24 तो 3x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी हाउ मच 11/3 by 7 hours. इसका मतलब काम बेटा कब कितने घंटों में पूरा हुआ 11/3/7 hours, आरएमसी में कब आया बेटा, जून 16 बेटा, और बेटा कितने नंबर का है पता है,